कलकत्ता विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन तीनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। इन तीनों के पीछे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समय के अनुसार इन शिक्षण संस्थानों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप जानते हैं कि वो कौन थे? ये व्यक्ति हैं महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह। नमस्कार, शुभजिता में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हमने आपको बताया दरभंगा राज परिवार के बारे में, बताई महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह की कहानी, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराजा सर रामेश्वर सिंह ठाकुर यानी महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह के बारे में। सर रामेश्वर सिंह ठाकुर का जन्म 16 जनवरी 1860 को हुआ। 1898 में अपने बड़े भाई महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह की मृत्यु के बाद वे दरभंगा के महाराज बने और दरभंगा, छपरा, भागलपुर में भी सहायक मजिस्ट्रेट रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय थे। 1899 में भारत के गवर्नर जनरल की भारत परिषद के सदस्य थे और 21 सितंबर 1904 को एक गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए जो बंबई प्रांत के गोपाल कृष्ण गोखले के साथ बंगाल प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह ने एक साथ कई पद संभाले। वे बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष, ऑल इंडिया लैंड होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष, भारत धर्म महामंडल के अध्यक्ष, राज्य परिषद के अध्यक्ष, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल के ट्रस्टी, हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी के अध्यक्ष, MEC बिहार और उड़ीसा के सदस्य और भारतीय पुलिस आयोग के सदस्य भी रहे। उन्हें 1900 में कैसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया गया। वे भारत पुलिस आयोग के एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने पुलिस सेवा के लिए आवश्यकताओं पर एक रिपोर्ट के साथ असंतोष किया, जाहिर किया और सुझाव दिया कि भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती एक ही परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए और यह केवल भारत और ब्रिटेन में एक साथ आयोजित की जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भर्ती रंग या राष्ट्रीयता पर आधारित ना हो। यह अलग बात है कि इस सुझाव को तब भारत पुलिस आयोग ने अस्वीकार कर दिया था कि उपाधि दी गई। 1915 की बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में एक नाइट ग्रैंड कमांडर यानी GCIE में पदोन्नत किया गया और उन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का नाइट कमांडर नियुक्त किया गया। अगर भारत में रेलवे लाने का श्रेय महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह को है तो देश का विमानन इतिहास महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह के साथ शुरू होता है। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मूल के सैनिकों के लिए पहला विमान F-4440 खरीदा गया था। ये तिरहुत सरकार ने खरीदा था और ये भारतीय फौजी के लिए बनाया गया था। महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह को राजर्षि भी कहा जाता है। वे एक तांत्रिक थे और इन्हें बौद्ध सिद्ध के रूप में जाना जाता था। ब्राह्मणों के महान महाराजा थे। क्षत्रिय के वंशानुगत नेता होने के नाते उन्हें मिथिला में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पूरे ब्राह्मण समुदाय के प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उन्होंने लाहौर में हुई प्रथम अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन की अध्यक्षता की और मई उमेसिंह में आयोजित बंगाल ब्राह्मण सम्मेलन की अध्यक्षता भी की।
वे पूरे भारत में रूढ़िवादी हिंदुओं के स्वीकृत नेता थे। भारत धर्म महामंडल के वे आजीवन अध्यक्ष चुने गए। यह एक अखिल भारतीय धार्मिक संगठन था। इसके साथ ही बनारस में इस संगठन की देश भर में शाखाएं थीं बनारस के अतिरिक्त, और इनसे कई राजा महाराजा उस जमाने में जुड़े थे। भारत के विभिन्न धर्मों और पंथों के बीच एकता को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने कलकत्ता और इलाहाबाद में आयोजित धर्म संसद की अध्यक्षता की थी। तब नेपाल के महाराजा शमशेर जंग बहादुर और ग्वालियर, कश्मीर, जयपुर के महाराज और अन्य भी इन्हें अपने गुरु या धार्मिक प्रमुख के रूप में देखते थे। पटियाला के सबसे बड़े सिख शासक महाराजा भूपेंद्र सिंह इनके तंत्र मार्ग के अनुयायी थे और सभी इनकी स्थिति के कारण सम्मान देते थे। ये एक महान साधक थे और इनके सहयोग से जॉन वुडरूफ पेन नाम आर्थर अवलोन ने तंत्र पर कई मूल ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और पुस्तकें प्रकाशित की और पश्चिमी जगत को तंत्र मंत्र से अवगत करवाया। श्यामा मंदिर जो बिहार के दरभंगा जिले में मिथिला में है, कहा जाता है कि श्यामा माई का यह मंदिर शमशान घाट में महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता के ऊपर बना है। महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह दरभंगा राज परिवार के साधक राजाओं में से एक थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह का प्रमुख योगदान है। इस विश्वविद्यालय को इन्होंने न सिर्फ 5 लाख रुपए दिए बल्कि इसकी स्थापना के लिए भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। महामना मालवीय जी के समर्थक थे, इसलिए उनके साथ हमेशा खड़े रहे। प्रशासनिक दस्तावेजों पर भी जो पत्र व्यवहार होता है इसमें रामेश्वर सिंह का नाम सामने आता है। अब बात करते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो दरभंगा भवन है वो इनके ही दान से बना हुआ है। दरभंगा के महाराज महेश्वर सिंह ने सिर्फ विशाल भूमि ही दान नहीं दी थी। 1906 में महेश्वर सिंह के पुत्र और तत्कालीन महाराजा रामेश्वर सिंह ने इस संस्थान को दरभंगा भवन जैसा उपहार दिया था, जिसकी लागत उस समय करीब 2.5 लाख रुपए आंकी गई थी। और सबसे बड़ी बात, 1 अगस्त 1906 को ही दरभंगा भवन के उद्घाटन समारोह में दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने इस संस्थान में मेडिकल अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति भी शुरू की थी और तब 9,000 रुपये का फंड विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। इसे महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल फंड नाम दिया गया था। रियासत दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह जब 9 जून 1912 को एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज यानी आज के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आए, तो इन्होंने बड़ी नफीस अंग्रेजी में उपस्थित श्रोताओं के समक्ष भाषण दिया था और एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज को 20,000 रुपये दान दिए थे। तब हिंदुस्तान में 18.93 रुपये में 1 तोला सोना मिलता था। इस हिसाब से उन्होंने करीब 1,053 सोने की कीमत के बराबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दान दिया था। 1,053 ग्राम सोने की कीमत आज तकरीबन 5,26,50,300 रुपये है। दरभंगा नरेश महाराज रामेश्वर सिंह द्वारा दिया गया यह दान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को किसी गैर मुस्लिम द्वारा दिए गए दानों में सबसे बड़ा और सर्वोच्च स्थान रखता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि संरक्षण के समय इन्होंने धर्म का भेदभाव नहीं किया। पीएमसीएच का रेडियोथेरेपी विभाग
जब स्थापित हुआ तो उसके उद्घाटन समारोह में 1928 में रेडियम इंस्टीट्यूट के भवन के लिए दरभंगा के महाराजा कुमार विश्वेश्वर सिंह ने 50,000 और महाराजा धीराज बहादुर सर रामेश्वर सिंह ने 1,00,000 रुपए का दान किया था। महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह ने पटना में न केवल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पर्याप्त राशि दी बल्कि पटना शहर के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था की। महाराजा कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन में रखे दस्तावेज से पता चलता है कि पहली बार पटना के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल मुहैया करवाने की पहल उन्होंने ही की थी। उस जमाने में इसके लिए उन्होंने 50,000 रुपये पटना नगर निगम को दिए। आज नगर निगम और पटना की जनता शायद उस इतिहास को भूल चुकी है, लेकिन दस्तावेज पूरी कहानी कह देते हैं। जाहिर सी बात है कि एक शिक्षाविद के रूप में एक आधुनिकता को प्रोत्साहित करने वाले संरक्षक के रूप में, संस्कृति को प्रोत्साहित करने के रूप में और शहरों की आधुनिक जो जीवन शैली है उसको स्थापित करने की दृष्टि में, हर दृष्टि में महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह का नाम हमेशा लिया जाएगा। नवलखा भवन उन्हीं का बनवाया हुआ है और राजनगर में जो महल है वो भी इन्हीं का बनवाया हुआ है, यानी स्थापत्य की दृष्टि से भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है।